नमस्कार दोस्तों जी, है मेरे पास सैमसंग का सैमसंग गलेक्सी S23। ये देखिए दोस्तों, सैमसंग की तरफ से जो सैमसंग की एस सीरीज का एक दोस्तों लेटेस्ट डिवाइस है। तो दोस्तों आज मैं आपसे इसी डिवाइस के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है जिसके बारे में मैं आपसे आज इसमें बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, ये जो अपडेट है कल रात को मैंने डाउनलोड कर लिया था, इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि मुझे आपको इस वीडियो में बताना था इस अपडेट के बारे में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस अपडेट के साइज़ की, जो कि है दोस्तों 377 MB का। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से हमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि सैमसंग हमें टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता है। और दोस्तों जैसे ही मंथ ख़त्म होता है, सैमसंग के जो लेटेस्ट डिवाइस होते हैं, जो एस सीरीज के फ़ोन होते हैं, उनमें हमें नेक्स्ट मंथ जो मंथ चल रहा होता है उस मंथ का सिक्योरिटी पेच लेवल का जो अपडेट होता है वो दोस्तों तुरंत देखने को मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो अभी अक्टूबर चल रहा है और हमें अक्टूबर का ही सिक्योरिटी पेच लेवल देखने को इस अपडेट में मिल गया। दोस्तों हर अपडेट में सैमसंग कुछ ना कुछ इशू जो होते हैं, बग्स होते हैं, उन्हें फिक्स करता रहता है। तो अगर आपके पास सैमसंग का S23 है तो आप इस अपडेट को कर लो, आपका फ़ोन ऑलरेडी स्मूथ तो है ही, S23 और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इस अपडेट को करने के बाद, क्योंकि हर अपडेट में कुछ ना कुछ जो दोस्तों बग्स होते हैं पिछले, उनको ये अपडेट जो होते हैं वो फिक्स कर देते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में जो अपडेट आ चुका है तो आप फटाफट से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, जिससे आपके फ़ोन में जो भी बग्स वगैरह हैं वो फिक्स हो जाएं और आपके फ़ोन को एक अच्छी इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा मिल सके। दोस्तों जो S23 है सैमसंग की तरफ से, आपके पास कौन सा डिवाइस है, आपके फ़ोन में दोस्तों कौन सा क्या अपडेट आया है, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।